हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे न्यू डिज़ाइन रॉयल प्ले का, जिसमें हम रॉयल इमल्सन इस्तेमाल करेंगे अपने बेस कोट के लिए, जो लग्जरी इमल्सन है। इसमें हम कलर में पानी मिला लेंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से, और उसके बाद हम दीवार पर रेगमाल वगैरह लगाने के बाद, रिपेयरिंग करने के बाद कलर का पहला कोट लगाएंगे। दीवार में दाना नहीं होना चाहिए दोस्तों, रूल चलाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम पहले ही इस पर रेगमाल वगैरह लगा लेंगे और पहला कोट स्टार्ट करेंगे। पहला कोट लगाने के बाद जब वो दीवार सूख जाए लगभग 3 से 4 घंटे बाद, सूखने के बाद हम इसमें सेकेंड कोट लगाएंगे। कोट हमें सेकंड कोट लगाना है इसके ऊपर। सेकंड कोट लगाने के बाद में हम अपना रॉयल प्ले का मॉडल लगाएंगे इसके लिए, ये ग्लिटर जो कि लगभग 700, 750 या 800 के लगभग आता है। एरिया वाइज रेट कम बढ़ती हो सकता है। तो इसका कलर कोड जो है 7489 है, ये रॉयल प्ले में है। इसे हम ट्रे में रोट लेंगे और अच्छे से कलर मिला लेंगे, ताकि बाद में कलर अलग अलग दिखाई ना दे, इसलिए अच्छे से डिब्बा साफ करके वैसे कलर को मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम थोड़ा अपने ज़रा सा पानी मिला सकते हैं, वैसे ज़्यादा पानी मिलाने की जरूरत नहीं होती, इसमें 50 या 100 ग्राम पानी मिलाया जा सकता है। उसके बाद हम दीवार पर ये टॉप कोट लगाएंगे एप्लीकेशन रोलर की सहायता से, कलर लगाना शुरू करेंगे। दोस्तों याद रहे, माल हल्का भारी नहीं होना चाहिए, कहीं कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हम ये अपना कलर ले आएंगे जो आसानी से पेंट की दुकान पर मिल जाता है। पेंटर भाइयों को तो पता ही है, लेकिन जो नए लोग अपने हाथ से डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे से बन जाएगा। ध्यान रहे, रूलर फिसलना नहीं चाहिए जिससे डिज़ाइन ख़राब हो जाता है, बहुत ही सावधानी के साथ ये चलाना है रूलर। और हो सके तो गर्मी के मौसम में कर रहे हैं तो सुबह करें या शाम में करें, वरना इस कलर में जोड़ पड़ जाते हैं जो कि दीवार अच्छी नहीं दिखाई देती है। फिर अच्छे से रूलर घुमाएं, साइड में जगह बन थोड़ी बहुत रह जाती है तो अपना रूलर इस साइड से चला सकते हैं, जो डिज़ाइन इसी में मैच हो जाता है वो तो दिखाई नहीं देता है। इसको बहुत शानदार लगता है बनने के बाद ये डिज़ाइन, एक बार जरूर अपनी दीवार पर ट्राई करें। इसमें पैटर्न चेंज होते रहते हैं, अलग अलग डिज़ाइनिंग के रोलर आते हैं, कोई भी डिज़ाइनिंग का रोलर ले सकते हैं। बस ये ध्यान रहे, जो हम ये मिलाते हैं यहाँ अच्छे से पैटर्न मिलना चाहिए, अगर ये पैटर्न डिसमैच हो जाता है तो वो डिज़ाइन फिर खराब दिखाई देता है, अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यही और वीडियो के लिए हम आपके लिए लाते रहेंगे न्यू न्यू डिज़ाइन और पेंट की कोई भी, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको कमेंट में जानकारी देंगे उसकी। थैंक यू फ्रेंड्स।